दिल्ली के जंतर मंतर में धरने पर बैठे खिलाड़ियों के सवाल पर अनुराग ठाकुर ने कहा कि भाजपा सरकार एक ऐसी सरकार है जिसने खिलाड़ियों के हित के लिए कई काम किए और जो खिलाड़ी जंतर मंतर में बैठे हैं उनके साथ भी 12 घंटे तक बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी हर समस्या का हल करने के लिए तैयार है। खिलाड़ियों के साथ बैठक कर कमेटी का गठन किया गया है। ये हम जमीनी स्तर से ही केंद्रीय नेता बनते हैं और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं यही नहीं, आज मैं यहाँ पर हूँ, 2 दिन पहले मैं मणिपुर में था, कल मेरे मन की बात का प्रोग्राम प्रधानमंत्री मोदी जी का हमने बहुत शानदार कार्यक्रम हुआ, कल मैं लेह में हूँ और परसों मैं जलंधर के उपचुनाव में हूँ, उस 30 तारीख को मैं कर्नाटक में हूँ। तो आप बोलेंगे मैं हर जगह क्यों जा रहा हूँ। पार्टी का कार्यकर्ता को हर जगह जाकर काम करना है और उसके रूप में कार्यकर्ता के रूप में आए हैं और अपने प्रदेश आया हूँ, अपने प्रदेश की राजधानी में आया हूँ और लोगों को याद करवाने आया हूँ कि आप ठगे गए हो, बट मन हल्का मत करिए, भारतीय जनता पार्टी आपके साथ खड़ी है। शिमला में कॉरपोरेशन बनाएंगे और पहले से ज़्यादा विकास करके दिखाएंगे। जहाँ तक खिलाड़ियों की बात है, देश भर के खिलाड़ियों के लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने शानदार काम किया और अब एक के बाद दूसरे खिलाड़ी से पूछिए, टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम हो, आज खिलाड़ी की बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग देश विदेश में सारा खर्चा मोदी सरकार सहन करती है, 6 लाख रुपए जेब खर्च देती है, खेलो इंडिया अकेडमीज है उसमें 3,000 खिलाड़ियों को 5 लाख रुपया उनकी बोर्डिंग लॉजिंग ट्रेनिंग पर और 1,20,000 रुपये जेब खर्च अलग से देती है, 23 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस तो 60 स्थाई ट्रेनिंग सेंटर चलाती देश भर में, 1,000 खेलो इंडिया सेंटर हम खोलने जा रहे हैं, 947 की हमने घोषणा कर दी है। बजट जो केवल 946 करोड़ पे था यूपीए के टाइम पे 2014 में, वो बढ़ाकर 3,397 करोड़ कर दिया है। तभी तो भारत का खेलों में मेडल पहले से ज्यादा बढ़े हैं, 7 ओलंपिक्स में मेडल आए, 19 पैरालंपिक्स में आए, डेफ ओलंपिक्स में 20 मेडल आए, कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल आए, 22 गोल्ड मेडल आए। हमने कभी थॉमस कप नहीं जीता, हमने वो जीतने का काम किया। हमारी 4-4 महिला वुमेन खिलाड़ी वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सिंग में बनी, निखत जरीन, लवलीना, स्वीटी, नीता गंगा, ये कहाँ से, हमने सपोर्ट किया तब बने। जहाँ तक आप रेसलर्स की बात करते हैं, पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं, 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी, रात के 2-2.5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई, उन्होंने कहा नहीं, एक बंदा और ऐड कीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।